सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती सरकार। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक बड़ा फैसला, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता, सार्वजनिक हित के लिए इस्तेमाल संभव हो सकता है। कुछ खास निजी संपत्ति को माना जा सकता है सामुदायिक संसाधन, यानी ये निजी संपत्ति को लेकर जो फैसला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अहम बातें कहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित में संपत्ति की समीक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करते क्योंकि वो समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता, कुछ खास निजी संपत्ति को माना जा सकता है सामुदायिक संसाधन। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर विकास सारथी जुड़ गए। विकास, निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। बिल्कुल आंचल, इसको सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से ये कहा है कि जहां तक ये मटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको क्या कम्युनिटी का प्रॉपर्टी माना जाए, क्या उनको सामुदायिक संसाधन माना जाए, तो कोर्ट ने ये कहा है कि इसको लेकर के ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हर निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन है। ये केस टू केस वेरी करेगा कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, उसका किस तरह का इस्तेमाल सरकार करना चाहती है, उसके पीछे मंशा क्या है। इसीलिए हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसको सरकार कभी भी अपने कब्जे में ले सकती है ये कहते हुए कि ये सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि इस पर जो भी सरकार प्रोजेक्ट बना रही है, इसका जो भी यूज करने वाली है, उससे एक पूरे समुदाय को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है जो गवर्नमेंट का है वो भी देखना होगा। इसीलिए कोर्ट ने जो पिछले फैसले थे उनको लेकर के भी यहाँ पर बहस हुई थी, खासतौर से केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स, इन दो फैसलों को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कहते हैं कि रीड डाउन किया एक तरीके से, ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले फैसले रहे हैं संविधान पीठ के, जिनमें ये कहा गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट राइट हो सकता है जरूरत पड़ने पर, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थे। यहाँ पर एक अपने विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है कि वो संसाधन जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है आखिर उसका इस्तेमाल क्या करना है, सरकार उसको क्यों कंट्रोल में लेना चाहती है। दूसरी बात, यहाँ पर ये कहा गया था कि क्योंकि मिनर्वा मिल्स में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, मिनर्वा मिल्स मामले में, उसमें पुराने जो संशोधन किए गए थे संविधान में उन सबको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था इस इशू पर जो भी अमेंडमेंट्स लाए गए थे। कोर्ट ने कहा है कि उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो बदलाव किए गए थे, केवल उनको ही ये मिनर्वा मिल्स का फैसला जो है वो उसको स्ट्राइक डाउन करता है। केशवानंद भारती में जो व्यवस्था दी गई थी कि सरकार चाहे तो जरूरत पड़ने पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सामुदायिक इस्तेमाल के लिए अधिग्रहित कर सकती है, उसको एक सामुदायिक संसाधन मान सकती है, यहाँ पर उसको कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने बहाल रखा है केशवानंद भारती वाले मामले में जो निर्णय दिया गया था, और ये कहा है कि मिनर्वा मिल्स में अगर 42nd अमेंडमेंट को क्वेश कर दिया गया था तो ऐसा नहीं होता है कि आर्टिकल 31C जो इस तरह के राइट देता है स्टेट को वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो 42वें संशोधन से पहले जो आर्टिकल 31C की स्थिति थी वो बरकरार रहेगी, और इसीलिए विशेष परिस्थितियों में प्राइवेट प्रॉपर्टी को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, लेकिन ये रूल नहीं है। इस बात को यहाँ पर माने कि ये रूल नहीं है कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी सामुदायिक संसाधन है और उस पर अधिग्रहित या उसका नियंत्रण। अच्छा, इसमें जो सार्वजनिक हित के इस्तेमाल की बात संभव सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, इसकी पेरिफ्री कैसे तय की जाएगी? विकास, देखिए कोई ऐसा, जैसे आप देखें कि जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करती है वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लगना है, कोई हाईवे बनना है, कोई एक्सप्रेस वे बनना है, तो एक लार्जर गुड के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट लाया जा रहा है तो वहाँ पर ये कोई दलील नहीं दे सकता कि मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है मेरी और मेरे को एब्सोल्यूट राइट है, मैं इसको किसी भी स्थिति में सरकार को नहीं दूंगा किसी भी दाम पर। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार का वो देखने की जरूरत है। इसीलिए ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि प्राइवेट ओनर किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रॉपर्टी देगा ही नहीं कम्युनिटी बेनिफिट के लिए, कम्युनिटी संसाधन के तौर पर, लेकिन जैसा कि उद्देश्य क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि हम जो इकोनॉमिक पॉलिसी है कोर्ट बना नहीं सकता, केवल हम एक रास्ता दे सकते हैं। तो कोर्ट ने एक रास्ता देने की कोशिश की है कि एक बैलेंस रहे, जहां पर बहुत जरूरत हो वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी कम्युनिटी संसाधन माना जाए, लेकिन हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी रिसोर्स नहीं माना जा सकता। ये 7 जजों ने 9 में से ये बात कही है,
इसके अलावा दो जजेस ने अपने अपने फैसले दिए हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बिल्कुल अलग फैसला दिया है, हालांकि उन्होंने अभी तक अपना मत पढ़ा नहीं है, लेकिन उनकी राय बहुमत से मेल नहीं खाती। और हर किसी निजी संपत्ति को किन्हीं खास अगर हम देखें, चलिए आपसे इस मामले पर आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।